1942 से 1956 की अवधि को प्रथम कंप्यूटर जेनरेशन अथवा पीढ़ी कहा जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूबों एवं डेटा भंडारण के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया। उनका आकार काफी बड़ा था, यहां तक कि उन्हें रखने के लिए एक पूर्ण कक्ष की आवश्यकता होती थी। वे बहुत महंगे थे, गर्मी का उत्सर्जन अत्यधिक था, जिसकी वजह से उन्हें ठंडा करना बहुत आवश्यक होता था और साथ ही उनका रखरखाव भी बहुत कठिन काम था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मशीन भाषा का इस्तेमाल इसकी प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को इनपुट पंच्ड कार्ड और कागज टेप द्वारा दिया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर एक समय में एक ही समस्या को हल करने में सक्षम थे।